आज महाराजा यादविंद्रा एनक्लेव विखे पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी, प्रतिज्ञा वेलफेयर सोसाइटी और महाराजा यादविंद्रा एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी जॉइंट एफर्ट नाल एक प्लांटेशन मुहिम चलाई जा रही है। इस जगह जिथे कि असी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट लगाया ये आले दुआले इहदा वातावरण क्लीन रखने वास्ते फ्लावरिंग और शेडिंग ट्रीज लगा रहे हैं और जिस कारण एक कलोनी की ब्यूटीफिकेशन भी बनी रहे और वातावरण भी साफ। हाँ जी, जिस तरह सानू पता है कि जेडे असी आ प्लांट्स लगा रहे हैं तो ये सानू कितना ज़्यादा फायदा करन वाले ने, सानू ऑक्सीजन देंगे एंड जेडी कार्बन डाइऑक्साइड है हवा दी वो ये लेंगे और सानू ये बदले सानू ही ऑक्सीजन देंगे जिस दे कि सानू बहुत ज़्यादा साह ले ज़्यादा जरूरत है और साडा वातावरण साफ होएगा। साड़ी कॉलोनी की यादविंद्रा कॉलोनी के लोग बहुत इतने सैर करते हैं और सैर करते हुए ऑक्सीजन के नाल नाल उन्होंने ब्यूटीफिकेशन भी चाहिए है, सो ये प्लांट सानू ब्यूटीफिकेशन भी देंगे। ये जिहड़ा सॉलिड वेस्ट सिस्टम ये बना रहे हैं ये कोई स्मैल ना आए इस करके भी इहदा ट्रीज का फायदा होएगा कि कोई भी स्मैल नहीं आएगी तो इतने पर्यावरण भी शुद्ध होएगा। जिवें कि सानू सारयां नूं पता है कि जिहड़े दरख्त ने ये साड़ी लाइफ लाइन ने ते इसनूं अजकल बहुत इगनोर किया जा रहा, कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रूनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इन्हां दी सारयां दी, तां साडा इह सारयां दा फर्ज बनदा है कि असीं जिथे भी सानू मौका लगे असीं दरख्त लगाईए। हाँ जी, जिवें कि मैडम ने कहा भी ये साड़ी एक लाइफ लाइन है, इस करके असीं इन्हां बच्चों नूं भी इस करके इनवॉल्व किया ताकि इन्हां दी इक जिम्मेवारी बने। एक एक बच्चे ने एक एक प्लांट लगाया ते planted a tree and trees makes our environment clean, so all should plant more and more trees and plant and make their environment clean. ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ।